हेलो टू एवरी वन वेलकम टू ब्रश अप योर इंग्लिश आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट टू पॉइंट वन रीडिंग कम्प्रीहेंशन वंस मोर टू द लेक आज हम झील के बारे में पढ़ेंगे नेचुरल सीनरीज के बारे में पढ़ेंगे सो लेट्स गेट स्टार्ट वन समर अलॉन्ग अबाउट नाइनटीन ओ फोर माई फादर रेंटेड अ कैंप ऑन अ लेक इन मेन एंड टूकस ऑल देयर फॉर द मंथ ऑफ अगस्त गर्मियों की छुट्टियाँ जो होती हैं नाइन्टीन ओ फोर की बात हो रही है अगस्त के मंथ में मेरे अबू ने एक कैंप रेंट लिया मेन में मेन क्या है मेन जो है एक्चुअली यूएस स्टेट मेन इज़ द यूएस स्टेट विद लार्ज पॉपुलेशन इन कंट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कि लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका के रीजन में मेन जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा फेमस है झीलों uh, की वजह से लेक्स की वजह से जहाँ पर फाइव थाउजेंड सेवन एटी फाइव लेक्स वहाँ पर मौजूद हैं मेन uh, एक झील है जिसे मैंने पहले भी बताया कि यू स्टेट का वहाँ पर झीलें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और अगस्त के महीने में लोग बहुत ज़्यादा घूमने भी आते हैं लेक्स uh, पर झीलों पर ओके एक्सेप्ट सम माइनर इनकनवीनियंसिस द वकेशन वॉज अ सक्सेस एंड फ्राम देन ऑन नन ऑफ अस एवर था देयर वॉज एनी प्लेस इन द वर्ल्ड लाइक दैट लेक इन मेन कुछ इनकनवीनियंसिस यानी कि गैर आसानियाँ पेश आईं लेकिन गर्मी की जो छुट्टियाँ थी वो कामयाब थी उन्होंने बाद में कहा कि दुनिया में ऐसी खूबसूरत जगह हमने नहीं देखी जो लोग झील पर गए थे समर में मेन में, में। यानी को उनको लगा कि इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कोई हो ही नहीं सकती जब उन्होंने मेन में झीलें देखी तो वी रिटर्न समर आफ्टर समर ऑलवेज ऑन अगस्त फर्स्ट फॉर वन मंथ हम बार बार उस लेक पे आने लगे थे घूमने लगे थे अगस्त के महीने में इस झील को घूमने के लिए अ फ्यू वीक्स ago, this दिस फीलिंग गॉट सो स्ट्रोंग कुछ हफ्ते पहले घूमने वाली फीलिंग जो थी वो और भी ज्यादा बढ़ गई और भी ज़्यादा मजबूत हो गई I bought myself a couple of fish hooks and a spinner and returned to the lake where we used to go for a week's fishing and to revisit old place. कुछ हफ्ते यानी कि वैसे महीने में जाते थे अगस्त वाले महीने में समर uh, वेकेशन में लेकिन इनका दिल कहा कि एक हफ्ते के लिए और जाने का यानी कि uh, जो लिख रहा है वो ये बता रहा है कि उन्होंने कुछ हुक्स और कुछ स्पिनर मछली पकड़ने के लिए uh, कुछ औजार ले लिए और दोबारा रिविज़िट किया पुरानी जगह को यानी दोबारा गए उस जगह पर आई टुक अलॉन्ग माई सन हैड नेवर हैड एनी फ्रेश वाटर एंड हु हैड सीन लिली पैड्स ओनली फ्राम ट्रेन विंडोज इस पैराग्राफ में झील की बात हो रही है नेचुरल सीनरी की बात हो रही है यानी कि मैं अपने बेटे को लेके गया जबकि पहले इसके इसके अब्बू इसको लेके जाते थे ये ये कह रहा है कि मैं अपने बेटे को लेके गया मतलब अब इनका बेटा भी बड़ा हो गया था जब वो उनको घुमाने के लिए लेके गया जैसे अक्सर फादर जो है अपने सन को कहीं घुमाने के लिए लेकर जाएं तो यहाँ पर लिखने वाला जो है वो ये बता रहा है कि पहले मैं अपने अब्बू के साथ जाया करता था तो अब मैं जो है अपने बेटे के साथ जा रहा हूँ तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि कभी भी मेरे बेटे ने ताज़ी हवा नहीं खाई थी मतलब वो बाहर नहीं घूमा था इतना और जो लिली पैड्स वगैरह हैं वो वो उन्होंने सिर्फ ट्रेन की खिड़कियों से ही देखे थे यानी कि वो उस बेटे के साथ जा रहा था ऑन द जर्नी ओवर टू द लीक आई बिगेन टू वॉन्डर वॉट इट वुड बी लाइक जब जर्नी चल रही थी तो मैं तज्ज्ज्ज्ज्जु में पड़ गया था कि अब जर्नी हमारी कैसी होगी और अब झील कैसी होगी पहले तो ऐसी थी अक्सर ऐसा होता है ना हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं हमने पहले जगह घूमी हुई होती है तो सोच में पड़ जाते हैं कि अब वो जगह कैसी होगी अब मतलब आ, क्या वो चेंज हो गई होगी या तो पहले जैसी होगी तो ये सेम चीज़ जो है वो फील कर रहा है आई वॉन्टड हाउ टाइम वुड हैव मेयरड दिस यूनिक दिस ब्यूटिफुल स्पॉट द शल्टर बे एंड स्ट्रीम्स द हिल्स दैट द सन सेट बिहाइंड द कैम्प एंड द पाथ्स बिहाइंड द कैम्प्स आ, बे बे हम लोग कहते हैं लैंड को स्ट्रीम्स कहते हैं हम लोग कर्व्स को यानी कि मैं तब जब मैं पड़ गया था ये चीज़ें ख़राब हो गई होंगी शेल्टर यानी कि वहाँ पे एक किनारा भी था शेल्टर जो दरख्तों में होता हो, होता था एक नहर भी थी वहाँ पे एक पहाड़ी भी थी जिसके पीछे सूरज उतरता था हालांकि सूरज तो दूर जो है वो ग्रूब होता था लेकिन नज़र ऐसा आता था कि करीब से जो है वह देख सकते हैं हम लोग ईजीली उसको ग्रूब होता था लेकिन नज़र आता था ओके okay, जैसे मैंने अभी बताया हम कैंप्स में होते थे और इसके पीछे यानी कि और भी बहुत सारे कैंप लगे होते थे यानी कि ये या नज़ारा बता रहा है दरख्तों के करीब दरख्तों के करीब एक ख़ूबसूरत झील होती थी किनारा होता था नहर होती है पहाड़ी होती है सूरज डूबता है और बहुत अच्छे से ख़ूबसूरत तरीके से नज़ारे की सारी की सारी मंजरकशी की गई है राइटर ने यहाँ पर I I was sure that the tarred road would would have found it it out, and I wondered in what other ways it would be desolated. ये बता रहा है जो रोड वहाँ पर एक जो तार लगी होती थी बाकी जो एरिया है वो घूमने वाला होता था desolated यानी कि रेगिस्तान वाला एरिया या खराब कह लें तो रेगिस्तान वाला होता था मैं ये सब चीज़ों को देख के तजुब में पड़ जाऊँगा यानी कि मैं जो भी चीज़ें वहाँ पर देखूंगा तो मुझे बहुत ही अजीब सी चीज़ें लगेंगी क्योंकि वो पहले उसने अपने फादर के साथ ये सारी की सारी चीज़ें देखी हुई थी अब वो अपने बेटे को लेकर जा रहा है वहाँ पर तो वो सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है स्ट्रेंज हाउ मच यू कैन रिमेंबर अबाउट प्लेसिस लाइक दैट वंस यू अलाउ योर माइंड टू रिटर्न इन टू द ग्रोव्स यह बड़ी तजुब की बात है ऐसी चीज़ें याद रखना और जो इनके ग्रूव्स हैं मतलब ग्रूव्स हम कहते हैं छोटे छोटे पौधों को आप आपको सब चीज़ें याद आएँ और आप दोबारा घूमने के लिए जाएँ हालांकि बहुत वक्त हो चुका था ये सब चीज़ें घूमे हुए लेकिन ये सब बातें अभी तक याद हैं बहुत तजुब की बात है विच लीड बैक यू रिमेंबर वन थिंग एट दैट सडनली रिमाइंड्स यू ऑफ एन अदर थिंग ख़ूबसूरत चीज़ नज़ार एक ख़ूबसूरत चीज़ नज़ारे की जो आपके दिल को छू गया हो जब हम एक चीज़ को याद करते हैं तो अचानक दूसरी चीज़ याद आ जाती है यानी कि इससे हर चीज़ याद आ रही थी हमने लिली पैड्स देखे वहाँ ये एक रास्ता था ऐसी झील थी तो ये अब सब चीज़ों को यानी कि रिमाइंड कर रहा था रोड ऐसे थे यानी इसे हर चीज याद आ रही है एक चीज़ याद की तो अचानक सारी चीज़ें याद आ गई जैसे हम कहते हैं कि फ्लैश बैक कि हम लोग फ्लैश बैक में चले गए यानी कि सारी चीज़ें एक से एक एक करके सब चीज़ें जो है आपको याद आ रही हैं आई गेस आई रिमेंबर्ड क्लियरेस्ट ऑफ ऑल द अर्ली मॉर्निंग्स वैन द लेक वॉज कूल एंड मोशनलेस रिमेंबर्ड हाउ द बेडरूम स्मेल्ड ऑफ द लंबर इट वॉज मेड ऑफ एंड ऑफ द वेट वुड्स हुट एंटर थ्रू द स्क्रीन मोशनलैस हम लोग कहते हैं खड़े हुआ पानी को लंबर कहते हैं लकड़ी मुझे याद है कि मैंने एक महीना जो गुजारा था वो बिल्कुल क्लियर है मतलब बहुत साफ है लेक यानी झील बहुत ठंडी होती होती थी मोशनलेस मतलब बिल्कुल खड़ा हुआ पानी होता था इधर उधर नहीं था हवा होती थी इतनी यानी कि मुझे सुबह वाली सारी मॉर्निंग्स अच्छे से याद है और मुझे याद है हमने जो बेडरूम बनाया था लकड़ियों का बेडरूम की स्मेल मुझे अभी तक याद है और वेट वुड्स जो हैं पानी से भरी हुई यानी झील के करीब जो लकड़ियाँ होती थी एक खुशबू आती थी वो मुझे आज भी याद है यानी कि सब चीज़ों को वो याद कर है the partitions in the camp were thin and did not extend clear to the top of the rooms and as i was always first up and i would dress softly so as not to wake up others and sneak out into the sweet outdoors and start out in the canoe uh, keeping close along the shore in the long shadows of the pines okay abiyampari yebatana chare uh, mushi saribati आ, मैं सुबह जल्दी उठता मैं सुबह जल्दी उठता था मैं ड्रेस बिल्कुल आहिस्ता से बदलता था ताकि दूसरे ना उठ जाएं फिर जो वहाँ पे खुशबू होती थी आ, या उसकी वजह से इसको कोई स्नीक आने लगती थी या फिर छींक आने लगती थी वो भी मैं बहुत आहिस्ता से लेता था और मैं कन्नोई यानी छोटी छोटी जो कश्तियाँ होती हैं शोर के करीब यानी साहिल के किनारे के करीब जाता था पाइंस के दरख्त होते थे यानी यहाँ पर नेचर की खूबसूरती बता रहा है एक सफ़र बता रहा है जो अट्रैक्ट कर रही है सारी नेचर की खूबसूरती ओके द लेक हैड नेवर बीन वॉट यू वुड कॉल अ वाइड लेक ये यहाँ पे बताना चाह रहा है कि वो जंगली लेक नहीं थी जहाँ uh, हर वक्त जंगल होते हैं जंगली वाली लेक नहीं थी uh, मतलब ये खूबसूरत झील की बात कर रहा है ये जंगली झील की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर जहाँ पर हर वक्त बहुत सारे दरख्त वगैरह होते हैं और जो ड्राउनी सी झीलें लग रही होती हैं उस उस तरह की झील की बात नहीं कर कर रहा मेन में, में नेचुरल सीनरीज होती हैं नेचुरल झीलें होती हैं जो कि बहुत खूबसूरत होती हैं यू एस ए वगैरह के अंदर तो ये उन झीलों की बात कर रहा है देर वर कॉटेज स्प्रिंिंकल्ड अराउंड द शोर एंड इट वॉज इन्फार्मिंग ऑल दो द शोर ऑफ द लेक वर क्वाइट हैविली वोडेड वहाँ पे जो कॉटेजेस यानी कि जो झोंपड़ियाँ होती हैं वो स्प्रिंकल्स यानी कि फैली हुई होती हैं शोर्स के करीब होती हैं और शबनम के कतरे होते हैं यूएसए की बात यहाँ पर हो रही है जैसे मैंने अभी बताया गर्मी की बात हो रही है यूएसए में गर्मी के महीने में भी ठंड होती है थोड़ी बहुत जैसे कि पाकिस्तान की तरह नहीं है कि हम हम यहाँ पर यू की बात कर रहे हैं ये बताना चाह रहे हैं कि जो लेक यहाँ पर आपको छोटी छोटी झोंपड़ियाँ मिलेंगी शबनम के कतरों से भरी हुई फार्म हाउस आपको आ, मिलेंगे खाना आपको मिलेगा जो खा सकते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पर मंजर कशी कर रहा है सम ऑफ द कॉटेज वर ऑन बाई नियर फार्मर्स एंड यू वुड लिव एट द शोर एंड ईट योर मील्स बाई द फार्म हाउस दैट्स वॉट आर फैमिली डेड यानी कि आपको खाना भी वहाँ पर मिलेगा खूबसूरत झीलों के करीब मेन की लेक बहुत ख़ूबसूरत झील होती है बहुत ही ख़ूबसूरत तरीके से इसमें जो है मंजरकशी की गई है आ, उस उन झीलों की मेन की झीलों की यहाँ पर Uh, और uh, इन्होंने यहाँ पर लिखे दैट्स वॉट आर फैमिली डिड यानी कि हमारी फैमिली भी uh, यही करती थी हमारा ख़ानदान भी यही करता था यानी कि मेन के लेक को uh, मेन के लेक के करीब जो है uh, हम लोग बहुत एंजॉय करते थे आई वॉज़ राइट अबाउट द टार इट लेट टू इन हाफ अ माइल ऑफ द शोर लेक को जो तार लगी हुई थी आधी माइल की दूरी पर जो लगी हुई थी Uh, when I got back there with my boy and we settled into a camp near a farmhouse and into the kind of द काइंड ऑफ समर टाइम I हैड नोन आई कुड टेल दैट इट वॉज गोइंग टू बी प्रीति मच द सेम एज इट हैड बीन बिफोर अब यहाँ पर यह बताना चाह रहा है जब मैं वापस झील पे गया अपने बेटे के साथ कैम्प पर जहाँ पर रुके थे फार्म हाउस के करीब था समर का वक्त था मैं जान सकता था कि ये और भी खूबसूरत होने वाला है जैसे पहले नज़ारा देखते थे तो खूबसूरत महसूस होता था हमारा मूड चेंज हो जाता था लेकिन और भी प्रीति होने वाला था और भी खूबसूरत होने वाला था आई बिगेन टू सस्टेन द एल्यूजन दैट ही वॉज आई एंड देयर फॉर बाई सिंपल ट्रांसपोजिशन दैट आई वॉज माई फादर अब यहाँ पर यह बता रहा है कि मैं अपने माइंड में एल्यूजन कह रहा हूँ ये जो मेरा बच्चा है या ये जो मेरा बेटा है आ, मतलब मैं अपने फादर की पोजीशन पर हूँ मतलब जो पहले घूमने जाता था इस लेक पे अपने अबू के साथ वो गुमान में है गुमराही में है मतलब ख़ुद को ये फादर समझ रहा है और अपना अपने आप को मतलब ख़ुद को बेटा समझ रहा है अपना दिस सेंसेशन up all the द टाइम वी there. It इट वॉज एन इंटायरली न्यू फीलिंग बट इन दिस इट grew मच stronger. Uh, ये फीलिंग न्यू नहीं थी वो ये बता रहे हैं कि अपने फादर uh, जैसे बिहेव करूँ मेरे uh, जैसे मेरे फादर जो है वो करते करेंगे अपने बेटे जैसा यानी कि सारे नजारे को हम परसेप्ट करेंगे लेकिन ये बहुत पुरानी वाली फीलिंग थी अब और लेकिन और ज़्यादा मजबूत हो गई थी अब हम और अच्छे से फील कर रहे थे सब चीज़ों को आई सीम टू बी लिविंग आ ड्यूल एग्जिस्टेंस ऐसे लग रहा था कि मैं दो जहानों में जी रहा हूँ एक पास्ट और एक प्रेजेंट मतलब मैं दो मरतबा जी रहा हूँ यानी एक पुराने वाला जो मैं था और एक जो मैं अब हूँ आई वुड बी इन द मिडल ऑफ सम सिंपल एक्ट आई वुड बी पिकिंग अप अ बेड बॉक्स और laying डाउन अ टेबल फॉक और आई वुड बी सेंग समिंग एंड सडनली इट वुड बी नॉट आई बट माई फादर हु वॉज सिंग दर्ड्स और मेकिंग द जेस्चर ऐसे लग रहा था जैसे अब यह बता रहा है कि मैं सब मैं जो चीज़ों में अभी कर रहा हूँ जो भी चीज़ें मैं अभी कर रहा था वो सब चीज़ें मेरे फादर करते थे जैसे घास तोड़ना बेट बॉक्स यानी लकड़ी के जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं इनको टेबल पर रख रहा था यानी वैसे ही काम कर रहा था जैसे मेरे फादर करते थे जब हम जाते थे तो वो वैसे ही बिहेव अपने बेटे के साथ कर रहा था जेस्टर्स भी वही दे रहा था जो उसके फादर देते थे इट गेव मी अ क्रीपी सेंसेशन लेकिन ये बात जो है ओके okay, इसको कम्प्लीट कर लेते हैं इट गेव मी अ क्रीपी सेंसेशन और ये बात उन्होंने बहुत ज़्यादा खौफजदा बात मेरे माइंड में डाल दी एक फादर वैसे भी हमेशा सेंसेशन में ही रहता है जैसे कि कुछ चीज़ें मैं सेम रहने सेम सेम कर रहा था अपने आ, बाबा जैसी कर रहा था एल्यूजन जो है अजीब सा डर मतलब आ, सेंसी खैज़ जो होती हैं इनके माइंड में वो चीज़ें आ रही थी वी वेंट फिशिंग द फर्स्ट मॉर्निंग हम सुबह सुबह पहली मरतबा मॉर्निंग में गए मछली पकड़ने गए आई फेल द सेम डेफ मॉस कवरिंग द वॉम्स इन द बेट कैन एंड सॉ द ड्रैगन फ्लाई अलाइट ऑन द टिप ऑफ माई रॉड एज इट हॉवर्ड अ फ्यू इंचिस फ्राम द सर्फेस ऑफ द वॉटर ये बता रहे कि जो ड्रैगन फ्लाई होती है एक तितली चसी होती है आ, वो मछली पकड़ने जब जाते हैं तो आ, जैसे औजार से मछली पकड़ते हैं वो इसी पे बैठी होती है और जो घास वहाँ पर लगी होती है इस पर जरासीम देखता है इंसेक्ट्स इन, देखता है यानी कि हर एक की मंजर कशी कोड़ने की कोशिश कर रहे हैं नेचर की चीज़ों की नेचुरल लाइफ की यानी ये बता रहा है कि गांव की ज़िंदगी बेहतरीन है वहाँ पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स बहुत खूबसूरत लगते हैं जैसे कि ड्रैगन फ्लाई के अलावा भी जितने भी इंसेक्ट्स छोटे छोटे होते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं ड्रैगन फ्लाई पानी के ऊपर भी घूमती है पानी के अंदर नहीं जाते इट वॉज द अराइवल ऑफ दिस फ्लाई दैट कन्वेंस मी बियॉन्ड एनी डाउट एड दैट एवरी थिंग वॉज एज इट ऑलवेज हैड बीन दैट द ईयर्स वर अ मेरेज एंड दियर हैड बीन नो ईयर्स यानी कि जब मैंने छोटे छोटे इंसेक्ट्स देखे इन सब को इसी अंदाज में लोग सोच सकते हैं या परसैप्ट कर सकते हैं इसी अंदाज में इन्जॉय कर सकते हैं मेरेज का मतलब भी यही है कि आप अपने आप को किसी और चीज़ के अंदर महव कर देना या हालांकि आप इस जगह प्रजेंट ना हो लेकिन इतने गुम हो जाएं इस जगह में कि आपको पता भी ना चले कि आप वहाँ पर मौजूद हैं द स्मॉल वेव्स द सेम चकलिंग द रोबोट अंडर द चिन एज वी फिश एट एंकर एंड द बोट वॉज द सेम बोट द सेम कलर ग्रीन एंड द रिप्स ब्रोकन इन द सेम प्लेसिस छोटी छोटी लहरें बिल्कुल सेम थी अच्छा वहाँ पर जो आवाज़ें थी इसकी बोट की चकलिंग की यानी जब फिश पकड़ते हैं एक आवाज सी आती है जो पानी का उछलाव होता है जो पानी के ऊपर ऊपर उछालता है वो भी सेम थी कश्ती भी वही सेम थी ग्रीन सा यानी कि कलर जो कश्ती का कलर था बोट का वो भी वही था रिप्स जो टूटी हुई बोट की वो भी वही सेम थी फ्लोर बोर्ड्स जो थोड़ा थोड़ा पानी होता है मछली के ओके उन मतलब सारी की सारी चीज़ें वो सेम थी प्लेस एंड अंडर द फ्लोर बोर्ड्स द सेम फ्रेश वाटर लिविंग द डेब्रिज्रिज मतलब स्मॉल लिविंग वाटर यानी कि फ्लोर बोर्ड्स जो थोड़ा थोड़ा पानी होता है मछली के वही डैबरिस और वही फ्रेश वाटर छोटी छोटी मछलियाँ जो घास पर बैठ के घूमती हैं कचरे पे वो किनारे पे जो पानी होता है वी कॉट टू फिश ओके वी कॉट टू फिश वैन वी गॉट बैक फॉर आ स्विम बिफोर uh, लंच हमने दो मछलियाँ पकड़ी हम जब स्विमिंग uh, uh, करके वापस आ गए लंच करने के बाद झील को यहाँ uh, छोड़ गए थे वो अभी भी वहीं पर थी ओके व्हेन वी गॉट बैक फॉर अ स्विम बिफोर द लंच एंड लेक वाज एग्जैक्टली वेयर वी हैड लेफ्ट यानी कि वहीं पर थी लेक द सेम नंबर ऑफ इंचेस फ्रॉम फ्रॉम द डॉग एंड देयर वाज ओनली द मेरे सजेशन ऑफ आ ब्रीज यानी कि सेम ही नंबर थे बस थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी आ, मतलब एक झील की कशी को पेश कर रहा है जो एक झील थी समंदर की तरह लग रही थी हमें छोटे समंदर की तरह हर यानी कि बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही थी दिस सीम्ड एंड अटर्ली एंचड सी दिस लेक यू वुड लीव टू इट्स ओन डिवाइसिस फॉर अ few आवर्स एंड कम बैक टू एंड फाइंड डेट इट हैड नॉट स्टेड दिस कॉन्सटेंट एंड ट्रस्ट वर दी बॉडी ऑफ वाटर यानि कि uh, एक जो झील जैसे मैंने अभी बताया कि उनको जो है वो झील uh, छोटे समंदर की तरह लग रही थी यानी कि एक नजारा कशी की गई है यहाँ पर उसकी के समंदर की तरह झील है और वहाँ पर जो है छोटे छोटे uh, समंदर बहुत ही खूबसूरत uh, लग रहे हैं वहाँ so it's all about this one a school of fish swam by each fish with its small individual shadow doubling the attendance no clear uh, and sharp in the sunlight सन लाइट यानी कि एक स्कूल फिश जब मछलियों का ग्रुप बनाया होता है वो साथ चलते हैं इसे स्कूल फिश कहा जाता है हर बड़ी मछली छोटी मछली के साथ होती है थोड़ा बहुत शेडो इसके साथ होता है सम ऑफ द अदर कैम्पर्स वर इन स्विमिंग अलॉन्ग द शोर वन ऑफ दैम विद अ कीक ऑफ सोप एंड द वॉटर goodness एंड jollity यानी कि डबलिंग अटेंडेंस यानी मछलियाँ जो हैं वो ज्यादा लग रही थी इनका शेडो जो है वो एक दूसरे को डबल कर रहा था सूरज की रोशनी में क्लियर दिख रहा था एक झील में मछली कैसे घूमती है Uh, सारा बताने की कोशिश की जा रही है यानी कि नेचर की फ़ितरत को बताया जा रहा है कि कितनी खूबसूरत नेचर है ये वही समझ सकता है जो जिसको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद हो या वो नेचर लवर हो जो झील को बहुत अच्छे से जानता हो जैसे वर्थ वर्स को वर्ड्स वर्थ को हम कहते हैं कि नेचर का जो है बहुत ज़्यादा बादशाह या गॉड ऑफ नेचर भी कहा जाता है इनको तो वही लोग इसको बहुत अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं अब ये यहाँ पे बता रहा है कि कुछ और कैंप्स भी स्विमिंग कर रहे थे वहाँ पे बिल्कुल खामोशी थी अच्छाई और खुशी थी जॉली मूड में थे सबके सब, सब वहाँ पर लोग द ओनली वन थिंग दैट वॉज रॉन्ग दैट वॉज रॉन्ग नाउ रियली वॉज द साउंड ऑफ द प्लेस एंड अनफीलियर नर्वस साउंड ऑफ द आउट बोर्ड मोटर्स आउट बोर्ड मोटर्स यानी कि ख़राब आवाज़ें एक चीज़ गलत जो थी वहाँ पे इसकी इस जगह की आवाज़ आउटबोर्ड मोटर्स जो थी यानी कि आपकी आवाज़ यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब आवाज़ थी जैसे कि जर टाइप आवाज़ होती है इसे कहते हैं दिस वॉज द नोट द जर्ड द वन थिंग डेट वुड समटाइम्स ब्रेक द एल्यूजन एंड सेट दर्स मूविंग अब ये मतलब जो आवाज़ें थी इंसान की सोच में इसका जो महपन होता है जब वो अपनी सोचों में गुम होता है इसमें खलल पैदा कर रही थी इन दो अधर समर टाइम्स ऑल मोटर्स वर इन बोर्ड एंड वैन दे लिटिल डिस्टेंस द नॉइज दे मेड वॉज आग्रीडियंट ऑफ समर स्लीप ऐसे लग रहा था जिसके बस वक्त गुजर रहा है इससे पहले ऐसा लग रहा होता था कि जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं यानी कुदरत के नज़ारे को देख कर गुम हो जाते हैं इसमें समर टाइम में मोटर्स इन बोर्ड होते थे इनकी जो आवाज़ होती थी वो इतनी पता नहीं चलती थी मतलब मिक्स हो जाती थी ठंडी हवाओं में यानि गर्मियों की आवाज़ों में आ, लेकिन अभी यह आवाज़ तब ये आवाज़ें परेशान नहीं करती थी आ, दे वर वन सिलेंडर एंड टू सिलेंडर इंजन बट दे ऑल मेड अ स्लीपी साउंड द लेक अब हम सर्दी में गए थे तो आ, ये आवाज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी सर्दी में आ, जैसे कि इसमें वन सिलेंडर और टू सिलेंडर इंजन थे मोटर्स में जो कश्तियाँ चलाते थे लेकिन वो सारी स्लीपिंग स्लाउंड साउंड बनाती थी जैसे कि लोरी वाले साउंड The one lungers throbbed and fluttered, and the twin cylinder once purred and purred, and that was a quiet sound too. But now the campers all had outboards. In the daytime, in the hot mornings, these motors made a petulant, petulant kahte badmizhaj ko, irritable sound. At night, in the still evening, when the afterglow lit the water, they went about uh, once ears like mosquitoes. यानी कि दिन के वक्त उनकी आवाज़ बदमिजाज हो जाती थी इरीटेबल साउंड होती थी शाम के वक्त भी तंग करने वाली आवाज़ होती थी जैसे किसी मच्छर की आवाज़ होती है जैसे होती है ना ज़ू तो हम नींद भी नहीं कर पाते ठीक तरीके से जैसे कोई मच्छर घूम रहा है विंड यानी कि ख़राब आवाज़ वी हैड अ गुड वीक एट द कैम्प हमने हफ्ता बहुत अच्छे से गुजारा द सन शोन एंडलेसली डे आफ्टर डे आखिर में सूरज चमक रहा था दिन ब दिन इसकी चमक बढ़ती ही जा रही थी वी वुड बी टायर्ड एट नाइट एंड लाई डाउन इन दूमलेटिड हीट ऑफ द लिटल बेडरूम्स आफ्टर द लॉन्ग हॉट डे एंड द ब्रीज वुड स्टिल ऑलमोस्ट इम आउटसाइड एंड द स्मेल ऑफ द स्वैम ड्रिफ्ट इन थ्रू द रस्टी स्क्रीन्स यानी कि हम रात को थक जाते थे जो थोड़ी बहुत गर्मी भी रूम में होती थी लेकिन जो ठंडी ठंडी हवा चलती थी थोड़ी बहुत सुकून कर लेते थे तो यानी महसूस होता था कि आराम हो जाता था स्लीप वुड कम इजीली एंड इन द मॉर्निंग द रेड स्कूल वुड बी ऑन द रूफ टेपिंग आउट दिस हैप्पी रूटीन आई कैप रिमेंबरिंग एवरी लाइंग इन बेड इन द मॉर्निंग्स और जो स्वैम्प और जो स्वैम्प यानी मछली का जो किस्म है जो मछेरे होते हैं यानी कि सुकून में मदद कर रही थी क्योंकि हम थक जाते थे और सुबह के वक्त गलेहरी छत पर घूम रही होती थी आ, मुझे ये सब चीज़ें याद आ रही हैं लाइंग इन बेड सुबह के वक्त यानी कि इसमें नजारे बताए गए हैं कि किस तरीके से मैं पहले फ़ादर के साथ जाता था अब मैं अपने बेटे को वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ और किस तरह की मेन झील है वहाँ पे कैसे मछलियाँ थी कैसे हम लोग रहे वहाँ पर किस तरीके से रहे ये जो लिखा गया है ई बी वाइट राइटर ने लिखा है सो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर टू होप सो यू लाइक द वीडियो अगर अच्छा लगा हो और न्यू चैप्टर्स की भी आपको वीडियोस से एक्सरसाइजेज़ चाहिए हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें अब हमने आज कंप्लीट किया है वंस मोर टू द लेक इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी यूनिट 2.1 की एक्सरसाइजेज़ करेंगे तब तक के लिए टेक केयर अला हाफ़ थैंक यू